अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। मेरा नाम है शफी। सो गाइस, आज की वीडियो जो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो, एक भाई ने कमेंट करके बताया था कि यार आप RX 570 वर्सेस 1060 के कंपेरिजन वीडियो बनाओ और बताओ दोनों में से अच्छा ग्राफिक कार्ड कौन सा है। सो ब्रदर, येरी मैं वो वीडियो ले आया। तो गाइज़, अगर कंपेरिजन की बात की तो कंपेरिजन में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पेक्स की तरफ से। तो स्पेक्स में हम ले लेते हैं पहले RX 570 को। अगर RX 570 की स्पेक्स की बात की जाए तो इसके अंदर आपको क्लॉक स्पीड जो है 1168 मेगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक देखने को मिलती है, जो कि अप टू 1244 मेगाहर्ट्ज़ तक बूस्ट हो सकती है। तो वहीं बात की जाए मेमोरी क्लॉक की, तो मेमोरी क्लॉक आपको 1750 मेगाहर्ट्ज़ की मेमोरी क्लॉक देखने को मिलती है। और अगर वहीं बात की जाए इस ग्राफिक कार्ड के क्यूडा कोड्स की, तो इसके अंदर आपको 2048 क्यूडा कोड्स देखने को मिलते हैं। तो अगर बात की जाए इस ग्राफिक कार्ड के वीरैम की, तो ये ग्राफिक कार्ड आपको 4GB और 8GB दोनों ही वेरियंट में अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग 4GB वाले ग्राफिक कार्ड पर बात करेंगे। और ये ग्राफिक कार्ड GDDR5 को सपोर्ट करता है। और इस ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको 256 बिट की मेमोरी बस देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो वही नज़र डाल लें अगर पावर कंजप्शन की तरफ, तो ये ग्राफिक कार्ड जो है मैक्स 120 वाट्स की मैक्स पावर कंजप करता है। और इस ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए आपके पास मिनिमम 450 वाट्स से लेकर 500 वाट तक एक पावर सप्लाई होना लाजमी है, जिसके अंदर एक 16 पिन कनेक्टर होना भी लाजमी है, क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड एक 16 पिन कनेक्टर रिक्वायर करता है। तो अगर वहीं बात की जाए इस ग्राफिक कार्ड के अपोजिट जो है NVIDIA का GTX 1060, तो इस ग्राफिक कार्ड के अगर स्पेक्स में नज़र डालें तो इस ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको क्लॉक स्पीड जो है 1506 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है, जो कि अप टू बूस्ट 1708 मेगाहर्ट्ज तक बूस्ट हो सकती है। अगर वहीं बात की जाए मेमोरी क्लॉक की, तो इसके अंदर आपको 2002 मेगाहर्ट्ज की मेमोरी क्लॉक देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और अगर क्यूडा कोड्स की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 1152 क्यूडा कोड्स देखने को मिलते हैं। और अगर मेमोरी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 3GB और 6GB दोनों ही वेरिएंट अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग 3GB वाले ग्राफिक कार्ड के ऊपर बात करेंगे। और ये ग्राफिक कार्ड जो आपका GDDR5 मेमोरी को सपोर्ट करता है। और इस ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको 192 बिट की मेमोरी बस देखने को मिलती है। तो वहीं बात की जाए पावर कंजप्शन की, तो ये ग्राफिक कार्ड मैक्स 120 वाट्स की मैक्स पावर कंजप करता है। और इस ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए आपके पास सेम 400 वाट की पावर सप्लाई होना चाहिए, या फिर 450 वाट्स की पावर सप्लाई होना लाजमी, और जिसके अंदर एक 16 कनेक्टर होना भी लाजमी है, क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड भी एक 16 कनेक्टर रिक्वायर्ड करता है। अब स्पेक्स तो जान लिए हमने इनके, तो बात करते हैं दोनों ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस की। अब RX 570 4GB जो ही आपको पाकिस्तानी मार्केट में 16,000 रुपीज़ से लेकर 17,000 रुपीज़ तक देखने को मिल जाएगा यूज़ में। तो वहीं अगर उसके अपोजिट बात कीजिए NVIDIA GTX 1060 3GB की, तो ये ग्राफिक कार्ड जो है आपको 20,000 रुपीज़ से लेकर 21,000 रुपीज़ तक देखने को मिल जाएगा यूज़ में। तो गाइस, जैसे कि इन दोनों ग्राफिक कार्ड्स के प्राइसेस इतना ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में इन दोनों ग्राफिक कार्ड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ग्राफिक कार्ड आपको सिमिलर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। अब कुछ कुछ गेम्स में RX 570 4GB थोड़ा सा ऊपर है, और कुछ कुछ गेम्स में GTX 1060 3GB थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन कुछ कुछ गेम्स में दोनों ही ग्राफिक कार्ड आपको सिमिलर बिल्कुल एज इट इज़ परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। लेकिन अगर वैसे बात किया तो दोनों ग्राफिक कार्ड बिल्कुल सिमिलर है परफॉर्मेंस के वाइज से। लेकिन अगर प्राइस के हवाले से देखा जाए तो प्राइस के हवाले से GTX 1060 थोड़ा सा ऊपर है, जो कि बिल्कुल उसके ऊपर सूट नहीं करता, क्योंकि RX 570 जो है वो 16-17,000 रुपीज़ के अंदर आता है, और वही 1060 आपको 20-21,000 रुपीज़ तक देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वही परफॉर्मेंस आपको मिल रही है 17,000 रुपीज़ में, तो आप ज़्यादा पे करके आप क्यों वही सेम परफॉर्मेंस लेना चाहेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप RX 570 ले लें। लेकिन फिर भी अगर आप NVIDIA के फैन हैं तो आप GTX 1060 ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि AMD के ग्राफिक कार्ड्स के अंदर हीटिंग इशू होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हीटिंग इशू नहीं होता। आप जिस शॉप से ले रहे हैं तो आप शॉप से चेक करके लें, आप उसकी पूरी वारंटी लें, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम या फिर इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन RX 570 आप यकीन माने अभी के टाइम पे बजट के हिसाब से बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड जा रहा है, और 1060 और RX 570 दोनों की परफॉर्मेंस सेम है। तो आप क्यों ज़्यादा 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करके आप वही सेम परफॉर्मेंस ले रहे हैं? तो आप वही परफॉर्मेंस आप RX 570 में ले रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 1060 लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। तो दोनों ही ग्राफिक कार्ड्स अच्छे हैं, कुछ कुछ गेम्स में वो ऊपर है, कुछ कुछ गेम्स में वो ऊपर है। तो आपको दोनों में से कोई भी ग्राफिक कार्ड ले लें, लेकिन आपको परफॉर्मेंस सिमिलर ही मिलेगी। तो गाइस, ये दोनों ही ग्राफिक कार्ड आपको 1080p 60+ FPS वाली गेमिंग बिल्कुल इजीली करा सकते हैं। लेकिन अगर बात की जा रही है 570 की, तो इसके अंदर आपको 4GB वी रैम देखने को मिलती है, और वहीं 1060 के अंदर आपको 3GB वी रैम देखने को मिलती है। तो यहीं RX 570 में आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है कि आपको एक 1GB वी रैम ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे आप गेमिंग में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ले पाएंगे। लेकिन 1GB वी रैम से भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। लेकिन कुछ गेम्स हैं जो आप 1080p अल्ट्रा टू हायर सेटिंग्स पर चलाएंगे, वो 4GB वी रैम के बराबर मांगेगी। तो RX 570 तो उस पर चल जाएगा, लेकिन 1063GB जो है वो आपको थोड़ा सेटिंग्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको 3GB वी रैम देखने को मिल रहा है। तो यही एक थोड़ा प्लस पॉइंट है RX 570 के पास। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप RX 570 लें, क्योंकि उसके अंदर 4GB भी रैम। लेकिन फिर भी अगर आप NVIDIA के फैन बॉय हैं तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप GTX 1060 ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि RX 570 बेस्ट है। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपका वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत कुछ ख्याल रखिएगा और दुआ में याद कीजिएगा।